मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बीच चल रही जुबानी जंग में शनिवार देर शाम नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जहां जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में आयोजित की गई पत्रकार वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री मुख्यमंत्री पर खासे उग्र नजर आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अब हर वक्त मुकेश अग्निहोत्री ही दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की भाषा और शैली से हताशा और निराशा साफ नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उन्हें उसी भाषा में जवाब भी दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने एक बार फिर दोहराया कि भाजपा की सरकार अब जाने वाली है और आने वाला वक्त कांग्रेस का है। मुख्यमंत्री बार बार बोल रहे हैं कि रिवाज बदलेगा और हम उनको ये बार बार स्पष्ट कर रहे हैं कि रिवाज नहीं बदलते हैं, राज बदलते हैं, ताज बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं और सिंहासन डोलते हैं। तो अब जो है जयराम सरकार के जाने का समय है, पता है 3 महीने के बाद चले जाना है, इसलिए वो मुझे कह रहे हैं कि मानसिक तौर से पीड़ित बता रहे हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जो है साइकोसिस की बीमारी से पीड़ित हो गए हैं और OCD जिसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि एक आदमी बार बार एक ही बात करता रहता है। और मुख्यमंत्री जी आजकल एक ही बात करते हैं, मुकेश अग्निहोत्री, मुकेश मुकेश, और यार रिवाज रिवाज रिवाज। ये मैं देखिए मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, जब वो कह रहे हैं कि हम मानसिक तौर पे परेशान है, मैं उनको कहता हूँ कि हो सकता है कि आप OCD से पीड़ित ना हो गए हों, किसी अच्छे डॉक्टर को चेकअप करवा लें तो बेहतर रहेगा। और इसमें क्या होता है कि जो पीड़ित शख्स है वो जरूरत से ज़्यादा चिंता करने लगता है और उसे अनचाहे ख्याल आते हैं, जैसे इनको अनचाहे ख्याल आ रहे हैं कि सत्ता तो नहीं छिन जाएगी। तो एक ही बात को बार बार दोहराना, और उसकी वजह ये है कि जब से ये 4 चुनाव हारे हैं, पार्लियामेंट का चुनाव हारे हैं, 3 विधानसभा के चुनाव हारे हैं, उस समय से लेके इनको इनके एक डर बैठ गया है मन में, एक खौफ पैदा हो गया है कि कहीं जनरल इलेक्शन में जो है जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल फियर, वो पैदा हो गई है इनके माइंड में। इसलिए जो है ये उठते बैठते सोते जागते स्वप्न में इस मुकेश अग्निहोत्री को ही याद करते हैं। तो हम तो इनको ये कहना चाह रहे हैं कि भैया सत्ता बदलने से इतने परेशान क्यों हो रहे हो, सत्ता कभी किसी की स्थायी नहीं हुई, सत्ता में बहुत बड़े बड़े लोग आए सब चले गए, अंततः हकीकत यही है, आपको भी जाना है।